नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ए आर एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के कक्षा 11 और कक्षा 12 के एग्रोनॉमी के यानी सस्य विज्ञान के क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 11 का जो यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने नंबर का, कौन से भाग से क्या क्वेश्चन आते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए बता दें कि इस जो वीडियो सीरीज में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर और इंटर यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें एग्रोनॉमी की यानी सस्य विज्ञान की क्लासेस रहेंगी, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और 5 मॉडल पेपर हर विषय के मिलेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर 3 लिंक मिलेंगी आप लोगों को। सबसे पहली लिंक होगी जो हमारी ऑफिशियल चैनल है उसकी लिंक होगी, दूसरा है जो आरंभ बैच नाम से आरंभ बैच क्लास 11 के लिए ग्रुप बना हुआ है। अगर आप लोग मतलब क्लास 11 के हैं तो 11 में ज्वाइन कर लेंगे और क्लास 12 के हैं तो 12 ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर के आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और स्पेशल डाउट क्लास मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है नंबर दिया हुआ है इस पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सिलेबस आप लोगों का यूपी बोर्ड में दे रखा है सस्य विज्ञान का। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें प्रश्न पत्र कितने नंबर का आएगा, तो 50 अंक का जो है प्रश्न पत्र आएगा जो कि आप लोगों को लिखना रहेगा, और 50 अंक का जो है वह प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 50 अंक का पेपर आएगा और 50 अंक का प्रैक्टिकल होगा, यानी 100 नंबर का जो है पूरा फर्स्ट ईयर में सस्य विज्ञान रहने वाला है। कौन कौन सी यूनिट से कितना पूछे जाएंगे वह डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट है उसमें आप लोगों को पढ़ना है फार्म की साधारण फसलें। फार्म की साधारण फसलों में कौन कौन सी फसलों को पढ़ना है, आप लोगों को गेहूं की फसल के बारे में पढ़ना है, धान की फसल के बारे में पढ़ना है, कपास की फसल के बारे में पढ़ना है और ज्वार और बाजरा और मक्का, सोयाबीन, सरसों, अरहर, मटर, मूंगफली, सूरजमुखी, चना, तंबाकू, परसीम, आलू और गन्ना। ठीक है, इन फसलों के बारे में अध्ययन करना है। कौन कौन सी शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करना है, कौन कौन से शीर्षक आप लोगों को अध्ययन करने हैं उसको देखते हैं। तो कौन कौन से शीर्षक के अंतर्गत इन जो फसलों का अध्ययन करना है वह है संस्तुत की गई प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना है, उनके प्रमुख गुणों के बारे में अध्ययन करना है, जो प्रजातियां हैं उनके प्रमुख कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, प्रदेश के उपयुक्त क्षेत्र, ठीक है, बोने का समय, ठीक है, बुवाई का समय, बीज दर, बोने की विधि, खाद देना और सिंचाई करना, फसल रक्षा के बारे में अध्ययन करना है, खरपतवार नियंत्रण के बारे में अध्ययन करना है और कौन कौन से कीट लगते हैं उनका क्या उपचार कर सकते हैं, उनके कौन से लक्षण हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, और फसल कटाई के बारे में, कटाई, मड़ाई और उपज और बीज उत्पादन, ठीक है, इन टॉपिकों के अंदर आप लोगों को अध्ययन करना रहेगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, जो ऊपर फसलें दे रखी हैं जैसे धान, गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, अरहर, मटर, मूंगफली, सूरजमुखी, चना, तंबाकू, बरसीम, आलू, गन्ना, ये जो फसलें हैं इनमें कौन कौन से हमें टॉपिक मतलब कौन कौन सी
टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है, तो सबसे पहले इनमें हमें संस्कृत की गई प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना है, उनके मुख्य गुणों के बारे में अध्ययन करना है, कौन कौन से क्षेत्रों में कब ये प्रजातियां बोई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, बोने के समय के बारे में अध्ययन करना है, बीज दर के बारे में अध्ययन करना है, बोने की विधि के बारे में अध्ययन करना है, और उनको क्या क्या खाद की आवश्यकता होती है, यानी खाद देना कौन कौन सी विधि से खाद देंगे, ये सभी चीज़ें अध्ययन करनी है, और सिंचाई करना, सिंचाई कौन सी विधि से करनी है, कब करनी है, ये चीज़ें अध्ययन करनी है। फसल रक्षा इनकी कैसे करेंगे, अगर खरपतवार हो गए हैं तो खरपतवार को किस तरह से नियंत्रण करेंगे, कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, खरपतवार जो है कौन सा खरपतवार नियंत्रक नियंत्रक डाल के हम उसको खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, और कीट लगते हैं फसलों में तो कौन कौन से कीट लगते हैं, उनकी पहचान करना, उनका निवारण करना, और फसल की कटाई के बारे में अध्ययन करेंगे, मड़ाही के बारे में अध्ययन करेंगे, और कितनी फसल की उपज हो रही है, और इसका बीज उत्पादन, इन हेडकों के अंतर्गत हम लोगों को फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी है। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आप लोगों का वेटेज जो है वह 10 अंक का है, यानी 10 अंक के प्रश्न इस यूनिट से आने वाले हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप लोगों को मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, मिट्टियों की उत्पत्ति, मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है, मिट्टियों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करना है, मिट्टियों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाएगा, उस वर्गीकरण जैसे कि बजरीली, बलुई, दोमट, सिल्ट, चिकनी मिट्टी, ये जो है मिट्टियों के प्रकार हैं, इनको अध्ययन करना है, और मिट्टी के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करना है, मिट्टी की रचना, भौतिक रचना और रासायनिक रचना, ठीक है, और रासायनिक कारकों का प्रभाव, भूमि संरक्षण की विभिन्न विधियां और इसके मूल सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, इन चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है यूनिट नंबर थ्री में क्या है, यूनिट नंबर थ्री का जो वेटेज है वह भी 15 अंक का है, कितने अंक का है, 15 अंक का यूनिट थ्री का वेटेज है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे खाद देना, ठीक है, खाद तथा खाद देना पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, खेत की मुख्य फसलों द्वारा मिट्टी से ली जाने वाली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा, खाद देने की आवश्यकता, जैव तथा अजैव खादें, जैविक तथा अजैविक खादों के बारे में पढ़ना है, फसलों तथा मिट्टियों पर उनके प्रभाव संबंधी अंतर, खाद तथा उर्वरकों के डालने की विधियां, गोबर की खाद के बारे में पढ़ना है, कंपोस्ट खाद, संरक्षण, हरी खाद की फसलें और उनके उपयोग, ये चीजें हम लोगों को अध्ययन करनी है यूनिट नंबर थ्री में। यानी क्या क्या अध्ययन करना है इसमें हमें, खाद तथा खाद देना यानी खादों के बारे में अध्ययन करना है, और खाद किस तरह से देनी है उसके बारे में अध्ययन करना है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, खेत की मुख्य फसलों के बारे में, फसलों द्वारा मिट्टी से लिए जाने वाली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा के बारे में अध्ययन करना है, जो मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ली जाती है उसकी क्या मात्रा रहती है उसके बारे में अध्ययन करना है, खाद देने की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करना है, जैव तथा अजैव खादों के बारे में अध्ययन करना है, फसलों तथा मिट्टियों पर उनके प्रभाव संबंधी अंतर, खाद तथा उर्वरक के डालने की विधियों के बारे में, खाद तथा उर्वरक के डालने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, गोबर की खाद तथा कंपोस्ट का संरक्षण, ठीक है, गोबर की खाद के बारे में पढ़ना है, कंपोस्ट का संरक्षण किस तरह से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और हरी खाद की फसलें और उनका किस तरह से उपयोग करते हैं, ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट थ्री में, ठीक है। निम्न खादों का अध्ययन, उर्वरक एवं उनके प्रयोग विधियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में अध्ययन करना है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, देखो क्या क्या पढ़ना है, गोबर की खाद पढ़नी है, अरंडी कंपोस्ट की खली के बारे में पढ़ना है, मूंगफली की खली के बारे में पढ़ना है,
यूरिया के बारे में पढ़ना है, अमोनिया सल्फेट के बारे में पढ़ना है, सुपर फास्फेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रॉक फास्फेट के बारे में अध्ययन करना है, पोटेशियम सल्फेट के बारे में अध्ययन करना है, म्यूरेट ऑफ पोटास के बारे में अध्ययन करना है, मिश्रित खाद, ठीक है, मिश्रित खाद के बारे में अध्ययन करना है, डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में अध्ययन करना है, और जैविक खादें जैसे बर्मी कल्चर, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम कल्चर के बारे में भी हम लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर चार। यूनिट चार में हम लोगों को क्या क्या करना है, यूनिट चार जो है वह उसमें जो है 10 अंक के जो है टोटल 10 अंक रहेंगे, ठीक है, 10 अंक रहेंगे। यूनिट अंक तीन, तीन में क्या क्या कहना है, भूमि प्रयोग, भूमि प्रयोग, जनसंख्या दबाव, वनों की क्षीणता, चरागाहों एवं फसलों का पर्यावरण पर प्रभाव, ये अध्ययन करना है हम लोगों को। क्या अध्ययन करना है, भूमि प्रयोग, जनसंख्या दबाव, वनों की क्षीणता, चरागाहों एवं फसलों का पर्यावरण पर प्रभाव, क्या क्या पढ़ने वाला है, ये चीजें अध्ययन करनी है। और नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा उसमें जो है 3 अंक का क्वेश्चन रहेंगे, 3 अंक के मतलब वेटेज है, तो पर्यावरण की सामान्य जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण का, जलवायु, जलवायु मृदा और आधुनिक कृषि पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, और नेक्स्ट टॉपिक है वह है नहरों द्वारा सिंचाई और जल क्रांति, नहरों द्वारा सिंचाई और जल क्रांति, ये पढ़नी है। और नेक्स्ट जो है टॉपिक रहे वह है 2 अंक का, उसमें आप लोगों को क्या अध्ययन करना है, उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायन के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम आप लोगों को यहाँ अध्ययन कराएंगे। ये कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को दिसंबर तक कंप्लीट कराए जाएंगे, और 1 अगस्त से आप लोगों की क्लासेस जो है वह सुचारू रूप से यानी वीडियो आप लोगों को प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। और हाँ, 50 नंबर का जो आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा उसकी इसकी जो PDF है आप लोगों को मिल जाएगी, वो आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को और किस तरह की जानकारी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।